सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में बहुत आप देखोगे कि कितनी तेज बारिश वगैरह हो रखी है। तो अब बारिश में आप देखोगे हमारी इधर दो तीन गाड़ी खड़ी थी, हम ऐसे ये दो गाड़ी खड़ी थी और एक अपनी सेंट्रो के ऊपर ये पूरा पेड़ आके गिर पड़ा। मैं इधर खड़ा था आराम से और उधर से ज़्यादा तेज हवा भी नहीं चल रही थी अपनी, उधर से आया और पेड़ सामने धम गिर गया। अभी इसमें देखा है नहीं कितना वगैरह गाड़ी में डैमेज वगैरह हुआ। अभी बारिश वगैरह बहुत तेज हो रही है, तो जब अभी इसमें बारिश थोड़ी रुक जाएगी सब कुछ वगैरह आप देखोगे तो ऐसे पूरे ये लट्ठे पैसे पूरे तार वगैरह सब इसमें लपटे हुए हैं। सारी सर्विस लाइन वगैरह सामने वाले घरों की टूट गई इसमें, मतलब फॉग आ गया फॉग होता तो सर्विस लाइन वगैरह सारी टूट गई इसमें से। और पता नहीं गाड़ी में डैमेज हुआ है कि नहीं, देखेंगे उसमें आपको वीडियो में बता दूँगा कैसे क्या हुआ। अभी थोड़ा गेट खोल के बताता हूँ आपको क्या हुआ। देखो पूरा गेट इस पर पेड़ गिर गया है, पूरे तार वगैरह इधर जा रखे हैं। अभी वो टियागो तो बच गई है पर इस पर सेंटर पे गिर गया पूरा। अब देखते बाद में पूरा हटाई करेंगे। मैं इसको हटा भी नहीं सकता अभी गाड़ी को, क्योंकि कोई तार वगैरह इसमें जो पड़े हैं पता नहीं कुछ अभी करंट वगैरह के चांसेस आ जाते। तो उधर से अभी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, तब उधर से पूरी लाइन वगैरह कटवा के तब गाड़ी को हटाएंगे इसमें से, तो आपको बताएंगे आगे क्या हुआ है। तो आप भी कभी ध्यान रखना, बारिश वगैरह का मौसम चल रहा है मानसून में, कभी भी अपनी गाड़ी को इसके पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी मत करें वरना आपको काफ़ी अच्छा नुकसान हो जाएगा। अब आपसे मिलेंगे इसको पूरी वीडियो में जब इसको पूरे तार वगैरह हटाएंगे। अब आपको थोड़ा सा बाहर से इसका बैकग्राउंड वगैरह दिखा देता हूँ, कितना टूटी करी है। इधर से मैंने खुद नहीं देखे, अभी देखता हूँ उधर से। इधर से तार पड़ा है वरना मैं अपने खटा देता गाड़ी को। और ये इधर से देखो, इधर से तो बच गई, कहीं से इतना लगा करा तो है नहीं अभी इसमें। और इधर से भी बच रखी है, बस एक इसका एक तार का डर है। अभी आएंगे बिजली वाले तब देखेंगे इसको। अब ऐसे उस टाइम पे आप देखते हैं, मतलब मैं वीडियो बना रहा होता तो तब देखते कि इतना कुछ हवा ना इतनी तेज बारिश अपने आप ही गिरा सी धड़ाम से। पर इस तार की वजह से सर्विस लाइन टूटी है ना सामने की, तो उधर से इस वजह से बच गया ये। फिर भी वो अच्छे कांच वगैरह पर कहीं ज़्यादा टूटा डैमेज वगैरह हुआ नहीं है। और ये भी एक थोड़ा रेन वाइजर में टूटा होगा तो कुछ उसमें लगा होगा उसकी वजह से बच गया रेन वाइजर की वजह से। आप भी इधर मानसून वाले सीजन में खड़ी मत करा करो अपनी गाड़ी में नीचे वगैरह। इधर से पीछे से और देखा तो तय नहीं, अगर आप तवे इसको निकाले और है ना तब इस पर गिर पड़े तब पता नहीं कुछ नुकसान वगैरह हो जाए, तो पर होना नहीं चाहिए ऐसा, पर अभी तक दिख नहीं है। और तब निकालेंगे करेंगे गाड़ी तब आपको दिखाएंगे कि क्या इसमें थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ करा हो तो आप। और इसका पेड़ का आप देखोगे, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसका कुछ पता ही नहीं लग रहा टूटा भी कैसे है भाई साहब, अलग ही चीज सिस्टम हो गया है। तो इधर वो डंडा लगाया था ना मुझे। आपको इसमें डैमेज वगैरह बताऊं तो आप सामने से देखोगे पूरी सही है, इधर साइड में से देखोगे तो भी मतलब ऐसी गाड़ी तो पहले से हुई रखी है वाली। इधर जाओगे तो मेन जो होता हुआ है ना इसका ये बम्पर ये गया है, पर इसमें आप देखोगे पहले से भी टूटा था, इसमें जुगाड़ वगैरह करके ये लगा रखा था। इधर से आप ये देखोगे ये ऐसा रखा है, बस ये मेन तो ये हुआ है इसमें पूरा। अब इधर पूरा ये रखा है पेड़ वगैरह सर, उसको टाइम वगैरह लग रहे हैं वो पेड़ को, पेड़ वगैरह इसमें। फिर आप लोगों को गाड़ी कंडीशन दिखाने के बाद मैं भी इधर अपना सहयोग देने के लिए चले गया। फिर चाचा और पापा ने बोला कि तुम छोरा इतना जिम करते हो अपनी ताकत तो दिखाओ, तब पूरे जिम का आजमाओ ना, पेड़ वगैरह काटो। तो फिर मैं भी अपने पूरे जोश के साथ पेड़ को काटने के लिए लग गया। देखो फिर इसमें मैं थोड़ी देर थक गया, तो फिर मैं इधर सबका मुंह देखने के बाद फिर से पेड़ को काटने के लिए लग गया। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तो कोई आया नहीं, तो हमने पूरे पेड़ वगैरह को तार वगैरह को साइड में करके हमने पूरा इसको पूरे सब कुछ साफ़ कर दिया।
फिर पेड़ को काटने के बाद मैं इधर उधर सबका मुंह देखने लग गया और क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे भी जोश आया, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने पापा से पेड़ की डंड ले ली, अपना पूरी जिम की ताकत दिखाई और पेड़ को पूरा खुसका के इधर से हटा दिया। फिर उसके बाद मैं फिर से इधर उधर देखने लग गया कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। पापा उसको दातरी से पेड़ को काट रहे थे, फिर पापा ने मुझसे बोला ओ जिम्बो ले तू काट। फिर मैं भी उसको काटने लग गया धीरे धीरे, पर मुझको समझ नहीं आया मैं कैसे काटूँ। फिर भी मैं उसमें धड़ाधड़ काटे जा रहा था। उसके बाद पता नहीं कटा नहीं, फिर पापा ने कहा ऐसे काट। उसके बाद फिर भी नहीं कटा बहुत देर तक। फिर पापा ने कहा इसको उखाड़ के फेंक दे, फिर मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया ऐसे। अब आप थोड़ी देर में टाइमलेस वीडियो सॉन्ग के साथ एंजॉय कर लेना। पूरी वीडियो देखी होगी जिसमें हमारी इस पर सेंटरों पर पेड़ वगैरह गिरा था, तो मैंने वो एंड तो कर दी थी, पर उसकी फिर बाद में है ना क्लिप डिलीट कर हो गई मुझसे गलती से। तो फिर से इसके एंड करने के लिए क्लिप बनाने आया हूँ। तो मैं आपको वो दिखाया था, इसका एक बम्पर पूरा टूटा था, पर इसका जुगाड़ करके मैंने खुद ने ही लगा दिया। इसमें बोला कौन मैकेनिक जाता, पहले ये इसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जो मैकेनिक भेजने लायक थी, तो इधर से मैंने पेच निकाला अपना और फिर से इसमें लगा दिया। तो बिल्कुल जैसे पहले थी वैसी हो गई है, और इसमें कहीं भी उतना डैमेज वगैरह 1% नहीं है। आप मानोगे नहीं इतना बड़ा पेड़ इस पे गिर गया था और उस पे 1% डैमेज नहीं था। तो आप देखोगे कि ओल्ड जो गाड़ी आती थी अपनी, उनकी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आती थी इतनी कि इनमें एयर बैग्स वगैरह आते नहीं थे, फिर भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती थी इनमें। तो आप देखोगे बस इधर एक अपना ये पेड़ गिरा था, इसका ये डेंट सा पड़ा है और कुछ भी नहीं हुआ इसमें डैमेज वगैरह। तो आप कह सकते हो कि ओल्ड सेंट्रो जिंक प्रूव इट्स बिल्ड क्वालिटी। और आपको उधर देखोगे और इसी जगह कोई मारुति वगैरह की अपनी कार होती तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी कुछ ज़्यादा अच्छी आती है ना। और ऐसी अपनी ये सफारी है, इसकी भी ऐसी बिल्ड क्वालिटी है, तो बिल्कुल टाटा का पहले ही होता है, तो मजबूत पूरी लोहे की गाड़ी आती है। तो यार सेंट्रो से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ह्युंडई की इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं आती थी, तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था कि इसमें बिल्कुल ही माइनर स्क्रैच आया है। बस उतना माइनर स्क्रैच के साथ नहीं मिला, कुछ तो डैमेज होगा ही। और उधर आपको दिखाऊँ ये अपनी इको स्पोर्ट खड़ी है, इधर ही अपनी इधर अपनी अब ये मारुति लगा दी है। तो इधर ये पूरा पेड़ वगैरह कट के और इधर से देखो कि पूरा हटा दिया पेड़, तो अब गिरने कोई चांसेस है नहीं। अगर इसी जगह ये गाड़ी होती तो ख़त्म हो जाती मारुति 800, पर ये भी अपने टाइम की पूरी आइकॉनिक कार में से एक है। तो इसी के साथ अपनी ये वीडियो को अपना एंड करते हैं। अगर आपको अपनी मारुति क्या बोलो ह्युंडई सेंट्रो जिंक का ड्राइव एक्सपीरियंस चाहिए कि 18-19 साल बाद भी कैसे चलने में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और एक वीडियो में एडवाइस है कि है ना अपने मानसून सीज़न में कहीं भी गाड़ी को पेड़ वगैरह के नीचे खड़ी ना करें, वरना आपका अच्छा खासा डैमेज वगैरह हो जाएगा गाड़ी में। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।